हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 16 सितंबर 2019 की प्रीलिम्स चैप्टर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू, पीआईबी और भी जो हमारे हिंदी न्यूज़पेपर हैं, दैनिक जागरण वगैरह, उनकी हम इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको यहाँ पे कवर है वो करते हैं। तो चलिए हमारी डिस्कशन की तरफ। जो पहला आर्टिकल यहाँ पे है वह है ब्राजीलिया डिक्लेरेशन से रिलेटेड, तो इसे हम डिस्कस है वो देखते हैं। देखो, इससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि काफी लोगों के कमेंट्स हैं, क्यूरीज आ रही थी कि भाई जो डिस्कशन है वो हमारी हिंदी में स्टार्ट है, वो मतलब की जाए कि आप जो कंटेंट है वो भी हिंदी में प्रोवाइड हो करो। तो देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो बेसिकली हम सारी डिस्कशन है वैसे तो हिंदी में ही करते हैं, बट जो स्लाइड्स वगैरह है इसमें मेनली इंग्लिश वर्ड होते हैं। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि आप ये मत भूलो कि मेंस में जब आपके लिए एक पेपर होता है जिसमें आपके लिए इंग्लिश है, आपको एक लैंग्वेज लेनी होती है और उसका बेसिक पेपर आपको क्लियर करना होता है, तो एटलीस्ट आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आप इसको समझ पाओ। अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं हिंदी में बनाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, प्रॉब्लम नहीं है, बट ये आपके भले के लिए बहुत फायदा है वो होने वाला है। ऐसी बात, काफी बच्चों को इस चीज से बेनिफिट हुआ है कि जो कि डेली न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं या फिर इंग्लिश में कंटेंट पढ़ते हैं, तो उनकी इंग्लिश वोकेबलरी है वो स्ट्रोंग होती है, जिससे उनको मेंस के अंदर काफी बेनिफिट है वो मिलता है। क्योंकि देखो, आप एकदम ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश से दूर भागना शुरू कर दो। बेसिकली मैं आपको कह रहा हूँ कि आप कोई भी एक मैगजीन है ईयरली या मंथली, उसको आप एक बार रिवाइज कर लिया करो हिंदी में, ताकि कुछ भी ऐसा पॉइंट है वो ना रहे। बाकी देखो, हम हमारी डिस्कशन में ऑलमोस्ट सारी पॉइंट्स हैं उनको कवर कर लेते हैं, तो इसका आई थिंक इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए कि जो कंटेंट है वो भी हिंदी में ही होना चाहिए। क्योंकि देखो, करंट अफेयर है वो आपको पता है कि बहुत बड़े जो मेन मेन अच्छे अच्छे सोर्सेज हैं वो बेसिकली इंग्लिश में ही है, और आपको सबसे अच्छा बेनिफिट इसका यह मिलेगा कि भाई इंग्लिश में जब ये डिस्कशन हो रही है आपको कंटेंट मिल रहा है, मतलब आपको मेंस में जो पेपर लिखना है, जो कि वैसे तो ऑप्शनल होता है बट वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वो हो जाता है, क्योंकि वो एक लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी है और वहां पे ऑब्वियसली इंग्लिश ही सिलेक्ट की जाती है, तो उसको क्लियर करने के लिए आपको इतनी इंग्लिश आना जरूरी है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे कंटेंट है वो इंग्लिश में कर रहा हूँ। आप एक बार कोशिश कीजिए, आपको इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है वो आगे होने वाला है। तो जो पहला आर्टिकल है हमारा वो है ब्राजीलिया डिक्लेरेशन। देखो, एक तो डायरेक्टली इफेक्ट यहाँ पे ये बन जाता है कि जो ब्राजीलिया डिक्लेरेशन है वो किससे रिलेटेड है, तो यह ध्यान रखना रोड सेफ्टी के लिए है, रोड सेफ्टी के लिए। अभी देखो, गवर्नमेंट ने काफी सारे, आपको पता है कि जो मोटर व्हीकल बिल है इसमें अमेंडमेंट किए थे, इसको नया एक्ट में संशोधन किया है। तो अभी ये न्यूज आई थी कि भाई जो ब्राजीलिया डिक्लेरेशन के जो गवर्नमेंट ने टारगेट रखे थे कि 2020 तक जो एक्सीडेंट हो रहे हैं हमारे देश में उनको हम 50% तक कम है वो करेंगे, इसीलिए गवर्नमेंट मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किया है ताकि रेगुलेशन वगैरह इस पे लाई जा सके। तो कुछ राइटर्स का कहना था कि इसका बेनिफिट होगा, कुछ का कहना था नहीं होगा, खैर वो अलग है, बट हमें पता होना चाहिए कि ब्राजीलिया डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है। देखो, यह एक सेकेंड ग्लोबल हाई लेवल कॉन्फ्रेंस थी रोड सेफ्टी को लेके, जो कि ब्राजील में आयोजित की गई थी 2015 में, ठीक है। अब इसका मोटो क्या था, ब्राजीलिया डिक्लेरेशन का मोटो ये था कि ट्रैफिक एक्सीडेंट या फिर रोड एक्सीडेंट की वजह से जितनी डेथ हो रही है ना, उनको आधा करना है। जैसे मान लो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में हर साल एक्सीडेंट या रोड एक्सीडेंट मोटर व्हीकल की वजह से 10 लाख लोगों की जाने जा रही है, तो टारगेट ये है कि भाई 2020 तक ये डाटा 5 लाख तक आ जाए, मतलब हमें एक्सीडेंट है इनको काफी कम करना है जो मौत हो रही है इनको। देखो, अभी इंडियन गवर्नमेंट का जो डाटा है रोड एक्सीडेंट का, इस पे इंडियन गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई हमारे देश में हर साल 1.5 लाख लोग हैं जिनकी रोड एक्सीडेंट में जाने हैं वो चली जाती हैं, जबकि वही WHO ये कहता है कि भाई ये डाटा गलत है, आपके देश में हर साल लगभग 2.99 लाख, 2.99 लाख, मतलब आप समझ सकते हो कि कितना गया, 3 लाख हो गया, यानी कि गवर्नमेंट के डाटा से जस्ट डबल डाटा है वो WHO के सामने यहाँ पे आ रहा है। तो इसकी तरफ गवर्नमेंट है वो काफी सारे स्टेप उठाने की कोशिश भी कर रही है, तभी आर्टिकल है तो हम इसको कवर कर लिया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है पेंगोंग त्सो लेक को लेके। तो पेंगोंग त्सो लेक है क्या, ये हम देख लेते हैं कहाँ पे है। देखो, पहली बात तो पहले मैप में देख लेते हैं, ये है यहाँ पे आपको दिख रहा है जम्मू एंड कश्मीर का मैप, और ये यहाँ पे आपको पता है कि ये जो हिस्सा है ये अक्साई चीन के अंडर है, और ये यहाँ पे इधर वाला जो हिस्सा है वो आपको पता है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। ये बेसिकली हमने पहले भी काफी बार कवर है वो किया है। तो जो पेंगोंग लेक है ना वो यहाँ पे है, ये एरिया आपको दिख रहा होगा इस वाले एरिया में। तो इसका जो पेंगोंग लेक, आप ये देखिए पेंगोंग लेक का जो मैक्सिमम हिस्सा है, आप मैक्सिमम बोल सकते हो कि लगभग 60% के आसपास हिस्सा है वो आता है चाइना की टेरिटरी में, और लगभग 40% के आसपास हिस्सा है वो आता है इंडियन टेरिटरी में। तो अभी देखो ये क्या है कि जो यहाँ पे बॉर्डर लाइन है ना,
जिस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर लाइन है वो LOC है, उसी तरीके से इंडिया और अक्साई चाइना के बीच में जो यहाँ पे ये बॉर्डर लाइन है ना, इसको LAC के नाम से जाना जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से। तो ये लाइन काफी मतलब असंदिग्ध है। चाइना कहता है कि भाई ये लाइन यहाँ तक है, इंडिया कहता है ये लाइन यहाँ तक है, तो काफी कॉन्फ्लिक्ट रहता है इसी जू लेके। तो कई बार क्या होता है कि इंडिया के सोल्जर चाइना की टेरिटरी में चले जाते हैं, चाइना के सोल्जर इंडिया की टेरिटरी में, तो कॉन्फ्लिक्ट या मामला न्यूज में आ जाता है। तो अभी भी कुछ वैसा ही हुआ है, तो ये मामला न्यूज में है, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कहाँ पे क्या है। ये देखो जो लेंग है, सॉरी ये लेक है, ये लगभग 4,500 मीटर की हाइट के ऊपर है, लद्दाख हिमालय वाले क्षेत्र में, या फिर हम बात करें 14,000 फीट की हाइट पे लेक है वो बनी हुई है, चारों तरफ से लैंडलॉक्ड है, और इसकी जो लेंथ है वो है 135 किलोमीटर, और इसको 35 किलोमीटर में 45 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है वो तो है इंडिया में, बाकी जो 45 बाकी जो 90 किलोमीटर का हिस्सा है वो है बेसिकली चाइना की टेरिटरी के अंतर्गत। ये ध्यान रखना, ये जो लेक है, ये लेक बेसिकली उम्मीद की जाती है कि जो टेथित सागर था जो कि हिमालय की उत्पत्ति से पहले था, उससे ये लेक है वो उत्पन्न हुई हुई है। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि ये सोल्ट वाटर लेक है। ये भी UPSC पूछ सकती है कि हिमालय में सोल्ट वाटर लेक कौन सी है, तो हमें पता हो कि भाई जो यहाँ पे हमारी पेंगोंग लेक है वो एक सोल्ट लेक है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल हुआ है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 के बारे में। देखो अभी ऑल ओवर वर्ल्ड की जो टॉप टॉप 8 यूनिवर्सिटीज हैं उनकी रैंकिंग जारी की गई है 16th एडिशन के तौर पे। कौन सी संस्था के द्वारा ये जारी की गई है? टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा। और आश्चर्यजनक बात क्या है कि इंडिया की टॉप थ्री वर्ल्ड की सॉरी जो टॉप 300 यूनिवर्सिटीज हैं उसमें इंडिया की एक भी नहीं है। ये इंडिया के लिए काफी चिंताजनक बात है, वो यहाँ पे सामने उभर के आई है। देखो तो इंडिया की एक संस्था थी जो कि बेसिकली 250 से 300 वाली रेंज की कैटेगरी में आती थी, जिसका नाम था IISc बेंगलोर, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, जो कि इंडिया की टॉप बोल सकते हो, या फिर इंडिया की तरफ से वही 250 से 300 वाली रेंज में आती थी। बट इस साल उसकी भी रैंकिंग है वो 300 से 350 वाली कैटेगरी में जा चुकी है। तो आप देख सकते हो कि इंडिया की जो हायर इंस्टीट्यूट की रैंकिंग है वो काफी पिछड़ गई है। तो उसी को लेके आर्टिकल हमारे लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। ये जो रैंकिंग है इसमें वर्ल्ड की लगभग 1300 यूनिवर्सिटीज हैं उनको काउंट किया जाता है, और इसी के साथ ही 92 कंट्रीज हैं जो इसमें पार्टिसिपेट है वो करती हैं। इंडिया इसमें 2012 से पार्टिसिपेट वो कर रहा है, और ऐसा पहली बार हुआ है कि इंडिया की कोई भी संस्था है वो 300वीं रैंकिंग तक नहीं पहुंच पाई है। तो ये यहाँ पे एक फैक्ट था जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो आर्टिकल हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखो ये मामला बहुत ही न्यूज में रहता है, काफी बार इसके ऊपर ऐसे राइटिंग वगैरह पे क्वेश्चन है वो आते रहते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है समान नागरिक संहिता, इससे आप समझते क्या हो ये बताओ पहले। आई होप आपने सोच लिया होगा। देखो समान नागरिक संहिता या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका मतलब ये है कि हमारे देश में जितने भी नागरिक रह रहे हैं चाहे वो किसी भी धर्म से हो, धर्म जाति उसको हटा दो आप, मतलब सब लोगों के लिए रूल है वो इक्वल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हिंदू हो तो उनके लिए अलग रूल हो, मुस्लिम हो तो उनके लिए अलग हो, पारसी हो तो उनके लिए अलग हो, SC कम्युनिटी के लिए रूल अलग हो, ST के लिए अलग हो, बुद्धिज्म के लिए रूल अलग हो, ऐसा नहीं। जो मेन कानून है वो सबके लिए इक्वल होना चाहिए। कानून में जितने भी रूल्स हैं वो सबके सबके ऊपर इक्वली एप्लीकेबल है वो होने चाहिए, बंटवारा नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर। मतलब कि इसमें जो पर्सनल लॉ है इनको तवज्जो नहीं दी गई है। और ये बात देखो आपको पता होगा हमारे संविधान के जो DPSP, कौन से DPSP की बात की जा रही है? आर्टिकल 44 ये कहता है कि भाई राज्य की जिम्मेदारी है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को अडॉप्ट करे और एप्लीकेबल करें। बट ये ध्यान रखना ये राज्य के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। मतलब आपको बताया कि DPSP है वो स्टेट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होते हैं कि स्टेट को उनको फॉलो ही करना पड़ेगा। जिस तरीके से हमें पता है कि फंडामेंटल राइट है वो स्टेट के ऊपर बाध्य होते हैं कि स्टेट को वो चीजें माननी होती हैं कि हाँ भाई ऐसा करना है तो ऐसा करना ही है। बट DPSP का ऐसा सीन नहीं है। DPSP का सीन ऐसा होता है कि स्टेट की मर्जी है कि वो उनको एप्लीकेबल करे या ना करे। अगर एप्लीकेबल करेगा तो वो अच्छी बात है कि एक अच्छा है, गुड गवर्नेंस है, वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगी। तो अभी कंटेक्स्ट यह था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आजादी के बाद इतना टाइम हो चुका है, अभी तक हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को ढंग से रिप्रेजेंट है वो नहीं किया गया है, कहीं ना कहीं सारी गवर्नमेंट इसमें नाकाम है वो रही है। अब देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड का बेसिक से समझो, जब भी इसके बारे में क्वेश्चन आ जाए या ऐसे राइटिंग में भी ऐसे टॉपिक आ सकते हैं तो आपको बहुत बेसिक से शुरुआत वो करनी है। और आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हो रिसेंटली का 3 तलाक का। देखो 3 तलाक क्या था?
बेसिकली मुस्लिम कम्युनिटी के लिए था वो, कि भाई उसके अंदर महिलाओं को तलाक तलाक बोल के तलाक है वो दे दिया जाता था, तो उससे उभरने के लिए 3 तलाक बिल लाया गया था, फिर वो एक्ट है वो बनाया गया था। तो वो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि देखो हमारे देश में सभी धर्मों में क्या है कि पर्सनल लॉ होते हैं अलग अलग नॉर्मली, तो उसकी वजह से क्या है काफी ज्यादा डाइवर्स डिफरेंसेज है वो आ जाते हैं, एक यूनिफॉर्म मेथड नहीं रह पाता है। और इसीलिए कोशिश की गई थी कि भाई समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में शादी हो चाहे तलाक हो चाहे प्रॉपर्टी का बंटवारा हो, सब सभी धर्मों के लिए इक्वल है। ऐसा नहीं है कि भाई किसी धर्म में तो महिला को प्रॉपर्टी राइट मिलेंगे किसी धर्म में प्रॉपर्टी राइट नहीं, क्योंकि देखो फंडामेंटल राइट क्या कहते हैं सभी के लिए समान है। तो इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को एप्लीकेबल बात करने की है वो बात की जाती है। वर्तमान में देखो जो हमारी रिसेंटली कंडीशन है प्रेजेंट जो हालात है इसमें क्या होता है हमारे देश में कि जो मुस्लिम है ईसाई है पारसी धर्म है ये तो बेसिकली जो इनके पर्सनल लॉ है धर्म के उनके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जबकि बाकी जो हिंदू सिविल लॉ है वो हिंदू धर्म सिख धर्म जैन धर्म बौद्ध धर्म के रेगुलेट है वो करते हैं। तो इसीलिए ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी रहती है कि भाई वो सभी धर्मों को इक्वल लेके ट्रीट है वो करे, मतलब पार्शलिटी नहीं होना चाहिए, सभी धर्मों के लोगों के लिए इक्वल राइट्स है वो एप्लीकेबल हो सके। तो ये यहाँ पे न्यूज है वो आई है। एक चीज आप यहाँ पे ये ध्यान रखना, जब भी आपको एग्जाम में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके क्वेश्चन आ जाता है या फिर आपको ऐसे राइटिंग वगैरह में कहीं यूज करना हो, तो आप साहबानों केस का जजमेंट है वो जरूर यहाँ पे यूज है वो करना है, इस स्टेटमेंट को आप यूज कर सकते हो, क्योंकि साहबानों केस से है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंट्रोड्यूस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक अच्छा आप बोल सकते हो कि स्टेटमेंट था कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड को हमें किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है वगैरह को लेके, तो आप साहबाना केस को जरूर ध्यान में रखना। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है जन सूचना पोर्टल 2019। देखो जन सूचना पोर्टल 2019 है ये है क्या, देखो राजस्थान राज्य एक पहला ऐसा स्टेट बना है इंडिया में जो कि पब्लिक इंफॉर्मेशन के लिए एक पोर्टल बना है जिसका नाम है जन सूचना पोर्टल। इसके तहत होगा क्या, इस पोर्टल का काम यह है कि जो आरटीआई जो एक्ट है इस आरटीआई एक्ट के तहत जो भी बातें मतलब पब्लिक डोमेन में लानी होती हैं ऑफिसर्स वगैरह को वो सारी बातें इस पोर्टल पर रहेंगी, ताकि बार बार अलग से लेके जो भी एक तरीके से आपको पता है कि गवर्नमेंट्स को कई बार प्रेशर में डाला जाता है कि आप ये चीजें वो पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं लेके आ रहे, ये जो सूचना है आरटीआई एक्ट के तहत आप बताइए, तो वो सारा मामला खत्म हो जाएगा। मतलब अब गवर्नमेंट क्या है सारी इन्फॉर्मेशन इस पोर्टल पे डाल देगी, तो जिस भी पर्सन को इन्फॉर्मेशन चाहिए वो डायरेक्टली यहाँ से देख सकता है, उसको कोई नई एप्लीकेशन है कोर्ट के अगेंस्ट फाइल करने की जरूरत नहीं होगी। अदरवाइज अभी तक क्या होता है कि किसी भी पर्सन को अगर कोई भी ऑफिस वगैरह से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो उसको एक एप्लीकेशन फाइल करनी होती है और फिर उसको वो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवाई जाती है, बट इस पोर्टल पे वो इन्फॉर्मेशन पहले से ही मिल जाएगी, ताकि बार बार लोगों को जो एप्लीकेशन है वो फाइल नहीं करनी होगी। नेक्स्ट एक छोटा सा आर्टिकल है वो है बंबू इकोनॉमी को लेकर। तो क्या है बंबू इकोनॉमिक्स ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो अभी आपको पता है कि इंडिया ने जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन की एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 14 सबमिट हुआ था इंडिया में, उसमें इंडिया ने बंबू इकोनॉमिक्स की तरफ फोकस है वो किया है। तो क्या है ये बंबू इकोनॉमिक्स, इसका मोटो ये है कि भाई हमारे देश में जो डेजर्टिफिकेशन है इससे निपटने के लिए, इसी के साथ ही क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए, और जो ट्राइबल कम्युनिटी है इसका इन्वॉल्वमेंट है वो बढ़ाया जा सके इस एरिया में, इसके लिए बंबू इकोनॉमिक्स की तरफ ध्यान है वो दिया जा रहा है। बंबू का मतलब क्या होता है बांस, आपको पता है कि बांस का पेड़ है वो काफी तेजी से ग्रो करता है और किसी भी मतलब बहुत ही ट्रॉपिकल एरिया में भी मेनली इजिली ग्रो है वो कर जाता है, तो इसलिए ग्रीनरी को प्रमोट करने के लिए बांस के पेड़ है या बांस से जो रिलेटेड चीजें हैं इनको प्रमोट है वो किया जाएगा। और आपको पता है कि जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो बेसिकली बांस के पेड़ों से बनी हुई जो टोकरियां हैं, टोकरी के अलावा आप और भी प्रोडक्ट्स दे सकते हो, बांस की चटाई वगैरह है वो काफी मतलब हैंडीक्राफ्ट आइटम है वो बनाते हैं, तो इस दिशा में जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं इनकी आजीविका भी बढ़ेगी और हमारे देश के जो टारगेट्स हैं उनको भी अचीव किया जा सकता है, इसीलिए ये उनकी लाइवहुड और उनके इन्वायरमेंटल इश्यूज को एड्रेस करने के लिए स्टेप है वो उठाए जा रहे हैं। आप ये बताओ कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये काम है वो किया जाएगा, ये देखो है वैसे ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री, क्योंकि ट्राइबल अफेयर जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा इस मेथड को इम्प्लीमेंट है वो किया जा रहा है, ताकि ट्राइबल एरिया में बंबू ट्रीज पे फोकस है वो किया जा सके। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है SSR, SSR का मतलब है साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी। देखो कंटेक्स्ट यह है कि अभी इंडिया है वो ये मतलब कोशिश कर रहा है इस तरफ की तरफ कि भाई साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी है वो बेसिकली कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तर्ज पे इंडिया में इम्प्लीमेंट है वो
की जा सके। और ये ऐसा अगर ऐसा इम्प्लीमेंट हो जाता है तो इंडिया वर्ल्ड की ऐसी पहली कंट्री होगी जो कि SSR पॉलिसी को इम्प्लीमेंट है वो करेगी। तो देखो पहले हम ये समझते हैं कि CSR क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि भाई जो कंपनियां होती हैं वो लोकल रिसोर्सेज को यूज करती हैं, तो उन कंपनियों की जिम्मेदारी हो जाती है कि भाई वो अपने आसपास के एरियो के लिए कुछ डेवलपमेंट का कुछ पैसा है वो दें। जैसे कि मान लो कि कोई भी एरिया है, ये एक एरिया है, यहाँ पे एक टाटा की कंपनी लग गई है, तो भाई वो टाटा कंपनी यहाँ के रिसोर्सेज का यूज करेगी और इन्वायरमेंट को थोड़ा बहुत नुकसान तो पहुंचाएगी ना। तो इसलिए टाटा कंपनी की जिम्मेदारी है कि भाई वो उसको जितना प्रॉफिट हुआ ना, उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा है वो इस बार एरिया के डेवलपमेंट में लगाए, चाहे वो पेड़ पौधे लगाए, चाहे यहाँ पे रोड वगैरह बनाए, चाहे स्कूल खोल दे, चाहे हॉस्पिटल खोल दे फ्री में, कुछ भी ऐसा काम है वो करें। ये होती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसी तरह पे मेटर लाया गया है साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यह है कि जो हमारे देश के साइंटिस्ट हैं इनकी भी सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई इनके इश्यूज को भी एड्रेस है वो लोग करें। तो इसमें होगा क्या, इसमें यह फोकस किया जाएगा कि भाई साइंटिस्ट हैं वो सोसाइटी के काफी क्लोज लिंकेज स्थापित करें, इसी के साथ ही जो हमारी सोसाइटी की बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, किन कौन से उनके चैलेंजेस हैं, उनसे निपटने के लिए साइंटिस्ट अपना योगदान है वो यहाँ पे प्रोवाइड है वो करवाएंगे। तो एक तरीके से मैकेनिज्म डेवलप करेंगे ताकि वो अपना साइंटिफिक नॉलेज है वो लोगों को ट्रांसफर कर सकें, लोगों की जो जो डिमांड्स हैं उनके अकॉर्डिंग वो रिसर्च करें ताकि उनको उनका बेनिफिट मिले, आपस में कोलाब्रेशन को प्रमोट किया जाएगा ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं उन एरिया लोगों की, उन प्रॉब्लम्स को वो एड्रेस है वो कर सकें और डेवलपमेंट की तरफ अग्रसर हो सकें। ये स्टेप यहाँ पे उठाए जाएंगे। तो देखो अभी तो ये ड्राफ्ट है वो बनाया गया है, अभी देखो इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा तब और भी अच्छे से इसको ज्यादा एलिबरेट वो कर पाएंगे। ये ध्यान रखना है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा ड्राफ्ट पॉलिसी है वो तैयार की गई है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया हुआ है हिंदी दिवस 2019। देखो हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस है वो मनाया जाता है, या फिर हम बात करें नेशनल हिंदी डे या फिर राष्ट्रीय हिंदी दिवस के तौर पर। आपको बता दूं कि हिंदी है वो दुनिया में चौथे नंबर पे बोले जाने वाली सबसे बड़ी एक लैंग्वेज है। और अब बात आती है भाई हम हिंदी दिवस है वो क्यों मनाते हैं। देखो आपको बताया कि हमारे संविधान 14 सितंबर 1949 को हिंदी को आर्टिकल 343 के तहत इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है के तौर पे एक्सेप्ट है वो किया गया था कि भाई इंडिया की जो आधिकारिक भाषा है वो हिंदी है, आर्टिकल ध्यान रखना 343 के तहत। अब बात ऐसी है, ऐसे में गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बन जाती है कि भाई उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है तो इसको प्रमोट किया जाए एज ए कल्चरल हेरिटेज के तौर पे, या फिर आप बोल सकते हो कि इंडिया की एक विरासत है भाई हिंदी, ऑल ओवर वर्ल्ड में काफी ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज है, तो इन सब के लिए इंडिया की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड में हिंदी दिवस वो हर साल मनाया जाता है 14 सितंबर को। तो ये थी आज की हमारी न्यूज़। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।